उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने 10 अक्टूबर सोमवार सुबह 8:16 पर अंतिम सांस ली। वह 82 साल के थे। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। आपको बता दें कि 22 अगस्त को उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। मुलायम सिंह को 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में भर्ती किया गया था। अस्पताल में मुलायम सिंह की निगरानी खुद मेदांता समूह के निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहन कर रहे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य उनके साथ ही है। दिल्ली से उनका शव लखनऊ लाने की तैयारी है। यहां से इटावा ले जाया जाएगा। 11 अक्टूबर मंगलवार को 3:00 मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। पहलवान और शिक्षक रहे मुलायम ने लंबी सियासी पारी खेली। वह 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे और उन्हें बेहद साहसिक सियासी फैसलों के लिए भी जाना जाता है। 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफाई में जन्मे मुलायम सिंह ने करीब 6 दशक तक सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया। वो कई बार यूपी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे। इसके अलावा उन्होंने संसद के सदस्य के रूप में 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा में हिस्सा भी लिया। मुलायम सिंह यादव 1967, 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993 और 1996 में कुल 8 बार विधानसभा के सदस्य बने। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव ने 3 बार यूपी के सीएम के रूप में भी कार्य किया। वो पहली बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, दूसरी बार 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक, तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। इन कार्यकालों के अलावा उन्होंने 1996 में एचडी डेगोरा की संयुक्त गठबंधन वाली सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। अपने सर्वस्पर्शी रिश्तों के कारण मुलायम सिंह को नेताजी की उपाधि भी दी गई है। मुलायम सिंह को उन नेताओं में जाना जाता है जो यूपी और देश की राजनीति की नब्ज समझते थे और सभी दलों के लिए सम्मानित भी थे। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज हब हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।